नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भेजी टेक्निकल। ब्लैकबेरी की टू LE वर्जन भारतीय बाजार में लॉन्च हो चुका है, जो कि बहुत जल्द 12 तारीख से सिर्फ और सिर्फ अमेजोन पे मिलेगा। तो ब्लैकबेरी की टू मैं बता दूं, पहले लॉन्च हो चुका है, ये उसका एडवांस वर्जन है LE, ब्लैकबेरी की टू LE। ये ब्लैकबेरी के जो फ़ोन्स हैं, आपको पता ही होगा, ये एकदम अपने ही धुन में रहते हैं, ये किसी की सुनते नहीं है। आपको टच स्क्रीन के साथ में क्वार्टी कीपैड भी दे देते हैं, और इसमें बहुत सारी फीचर्स जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और ये जो पुराना की टू था, ये करीब 42,990 रुपये का फिलहाल मिल रहा है, और 47,990 का लॉन्च हुआ था। लेकिन ये जो नया वाला है, ये थोड़ा सा कम स्पेसिफिकेशन के साथ में, और एली एली का मतलब मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन लीस्ट ऐसा लग रहा है मुझे, यानी कि इसका मिनी वर्जन है, जो कि आपको 29,990 यानी 30,000 रुपये का मिलेगा, पुराने वाले से करीब 15-16,000 रुपये कम। तो देखते हैं क्या खास बात है इस फ़ोन के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ़ोन के अंदर ये वीडियो दिया गया है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, आप आके चेक कर लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। चलिए हम बढ़ते हैं इसके एक एक स्पेसिफिकेशन के ऊपर। तो सबसे पहली बात, तो तीन बहुत ही खूबसूरत कलर्स में लॉन्च किया गया है, जो आजकल ट्रेंडिंग रेड चल रहा है उसके लिए रेड है, जिसको इन्होंने एटॉमिक नाम दिया गया है। दूसरा गोल्डन है, जो कि थोड़ा शैम्पेन कलर में आता है, इसलिए उसको शैम्पेन लॉ। और ये तीसरा स्लेट, जो कि एकदम ब्लैकिश या थोड़ा ग्रे टाइप में है, उसको स्लेट नाम दिया गया है। तो हम कह सकते हैं कि गोल्डन, ग्रे और रेड, तो ये तीन खूबसूरत कलर्स है। जो प्रोफेशनल लुक होगा, वो मुझे लग रहा है ये ग्रे वाला ही होगा, क्योंकि फ़ोन ही प्रोफेशनल और एकदम एंटरप्राइज एडिशंस के हिसाब से ही है, लेकिन थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी आ चुका है। आप देख सकते हैं इसकी 4.5 की ही स्क्रीन है टच वाली, बाकी जो जगह है इन्होंने इसको ले लिया है कॉर्टे कीपैड, जो कि इनका पुरानी चीज़ है। और ये कॉर्टे कीपैड ऐसी नहीं दी गई है, इसकी बहुत सारी यूजेस है और एफिशिएंसी है, आपको ऑन स्क्रीन कीबोर्ड भी मिल जाएगा, साथ ही साथ ये भी है। तो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा कि इसके स्क्रीन्स के साथ में इसके कॉर्टे कीपैड्स के क्या क्या कमाल हैं। तो तीन कलर खूबसूरत हो गया, और इसके जो ग्रिपिंग मजबूत करने के लिए इन्होंने सॉफ्ट टेक्स्चर ब्लैक बैक दिया गया है फॉर ए बेटर ग्रिप। तो इस तरह से आपको, ताकि हाथ से फिसले ना, जो कि आजकल बहुत सारे फिनिशिंग डिवाइसेस आते हैं उसके लिए। तो कीबोर्ड और 4.5 इंच का डिस्प्ले करके तकरीबन आपको 5.5-6 इंच का ये मोबाइल दिखने में लगता है, थोड़ा सा बड़ा दिखता है, लेकिन उतना बड़ा नहीं दिखता कि नॉर्मल से एकदम फालतू दिखे, बहुत ही बढ़िया है। इसके प्राइवेसी आइटम्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। प्री इंस्टॉल्ड डीटेक जो इनका प्रोसेसर है, जो इनकी टेक्नोलॉजी है ब्लैकबेरी की, जिसके लिए माना जाना जाता था, वो इंस्टॉल किया गया है, ताकि साथ ही साथ आपके काम करते करते रियल टाइम टेक्स्टिंग या जो भी चीज़ है इसको स्कैन कर सके। और इसके अंदर बहुत सारे चीज़ दिए गए, जैसे फायरफॉक्स फोकस दिया गया है, प्राइवेट ब्राउजिंग के लिए दिया गया है, सिक्योरिटी पर्पस के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, फिंगरप्रिंट सेंसर तो है ही है, और पासवर्ड प्रोटेक्शंस भी बहुत सारे ऐप है, लॉकर्स वगैरह के अंदर रख सकते हैं। तो इस तरह से 4-5 स्टेजेस दिए हैं मल्टीमीडिया, जिसको रिडेक्टर, लॉकर, डीटेक बाय ब्लैकबेरी का जो रजिस्टर्ड वर्जन इनका, फायरफॉक्स फोकस दिया गया है, और प्राइवेसी सेट दिया गया। तो इसके हिसाब से 4-5 आइटम है जो मैंने बताया कि उसके हिसाब से आप प्राइवेसी कर सकते हैं। तो फुल पावर ऑफ फुल डेज, क्योंकि इसके अंदर 3000 mAh की पावरफुल बैटरी है, जो कि क्विक चार्ज 3.0 सपोर्ट करती है, 9 वोल्ट 2 एम्पियर का चार्जर है, यानी 18 वॉट का चार्जर है, तो इसके हिसाब से बढ़िया हो जाता है। इसको एंड्रॉयड ओरियो 8.1 के साथ में ऑप्टिमाइज़ किया गया है, क्योंकि ब्लैकबेरी अपना खुद का OS था, लेकिन अब ये एंड्रॉयड के साथ में आ रहा है, जो कि एकदम प्लेन एंड्रॉयड होगा, इसके ऊपर कोई कस्टम स्किन नहीं है, जो जिसकी वजह से गूगल असिस्टेंट वगैरह भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके अंदर काम का, वर्क और एंटरटेनमेंट को बरोबर इन्होंने डिवाइड किया गया है, और साथ ही साथ ड्यूअल अकाउंट भी है, जो कि आप कह सकते हैं कि एक ही फ़ोन में दो दो अकाउंट करके भी आप, जैसे मल्टीमीडिया पर्पस या फिर सोशल नेटवर्किंग पर्पस के लिए, जैसे इन्होंने इंस्टाग्राम के 2 अकाउंट रखे हैं, इस तरह से आप भी इसमें कर सकते हैं। तो एफिशिएंसी के मामले में बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि इसके अंदर जो भी कीज़ हैं, यहाँ पे 52 कीज़ दी गई है, हर एक कीज़ को आप जो है सेंसर कोई ना कोई ऐप से लिंक कर सकते हैं, जैसे W के लिए WhatsApp, यानी W दबाइए WhatsApp ओपन हो जाएगा, I दबाइए Instagram ओपन हो जाएगा, इसे आप कोई भी चीज़ के लिए, C दबाओ कैमरा ओपन हो जाएगा, हर एक चीज़ के लिए दिया गया है कुछ ना कुछ एक्शन, तो वो आप कर सकते हैं इसकी मदद से। तो इस तरह से यहाँ पे समझाया गया है। मूवमेंट कैप्चर करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टली में एक 13 और एक 5 का कॉम्बिनेशन में कैमरा दिया गया है, जो कि आपको बहुत ही बढ़िया बुके इफेक्ट वगैरह दिया जाएगा, बहुत ही बढ़िया है, और इसे 4K की रिकॉर्डिंग भी मिलती है, बहुत अच्छी बात है, जो 30 फ्रेम पर सेकेंड है। फ्रंट में 8 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है, जो कि आपको 1080 की रिकॉर्डिंग करके दे देगा। तो इस तरह से आपको बढ़िया है, और ये इस तरह से इसका लुक वगैरह है। स्क्रीन के ऊपर भी आप काम कर सकते हैं, कीबोर्ड से भी काम कर सकते हैं, आपको जो ऐप नहीं चाहिए उसको उड़ा सकते हैं, और देखिए लॉक करके रखा गया, तो हर एक चीज़ के लिए भी आपको इसमें प्राइवेसी मिल जाती है। तो
इसके लिए बहुत ही अच्छा होगा अगर अपने आप कोई भी ऐप ओपन नहीं होगा। तो इस तरह से ये है, आप स्पेसिफिकेशन में आपको दिखा दूं ताकि आपको थोड़ा कुछ समझ में आ जाए कि इसके अंदर दिया क्या गया है। तो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की वजह से इसका प्रोटेक्शन काफ़ी अच्छा हो जाता है, और इसके अंदर जो है एंड्रॉयड प्योर में दिया गया है, तो इसकी वजह से हल्का रहता है फ़ोन, और फ़ोन का वजन भी काफ़ी कम है, 156 ग्राम ही है। 35 की बैकलिट फिजिकल कीबोर्ड दिया गया है, इंटीग्रेट फिंगरप्रिंट सेंसर, जो फिंगरप्रिंट जो इसके अंदर है मैं आपको दिखा दूँ, एक स्क्रीन में दिखा देता हूँ, ये जो बटन है स्पेस वाली, इसके अंदर सेंसर दिया गया फिंगरप्रिंट, आपको कोई फिजिकल पीछे बटन नहीं दिखे, आगे आगे ही दिया गया है। तो यहाँ पे आप टच करेंगे तो आपका फ़ोन भी अनलॉक या आप दूसरे काम के लिए भी आप कर सकते हैं। फेस अनलॉक के बारे में कंपनी ने कुछ बताया नहीं है, शायद नहीं दिया है इसके अंदर। और इसकी रेजोल्यूशन 434 PPI की हो जाती है, 1620x1080 की रेजोल्यूशन है, 4.5 के स्क्रीन पर भी इन्हें फुल एच डी का रेजोल्यूशन दिया गया है, तो ये काफ़ी अच्छा है। 3:2 का एस्पेक्ट रेशियो, जैसे लोगों में 16:9 या 19:9 का रेशियो चल गया है, तो इसका स्क्रीन छोटा होने की वजह से रेशियो चेंज होता है। 8.1 ओरियो एंड्रॉयड लेटेस्ट के साथ में आएगा, और सबसे बढ़िया स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर दिया गया है 636 वाला, जो कि बहुत ही बढ़िया ऑक्टा कोर है, कायरो 266 260 का है। 4 GB की रैम मिल जाती है, 64 GB इनबिल्ट मेमोरी मिल जाती है, और इसके अंदर आप जो है 32 वाला भी वेरिएंट है, लेकिन हम 64 वाला वेरिएंट को देख रहे हैं, और 256 GB तक आप इसको एक्सपांड कर सकते हैं एसडी कार्ड के थ्रू। पोर्ट में टाइप सी पोर्ट दिया गया है, यूएसबी ओटीजी सपोर्ट करता है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। डुअल वोल्टी है, और इसमें 3000 mAh की बैटरी, जैसे आपको बताया चार्जर का 9V 2A 18W का क्विक चार्ज 3 है, और कैमरा जो है 4K रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है 30 FPS, और फ्रंट वाला फुल एचडी करेगा 30 FPS के ऊपर। तो फेस डिटेक्शन, ऑटो फोकस वगैरह दिया गया है, सारी चीज़ इसको स्ट्रीमिंग कर देंगे। और ब्लूटूथ 5.0 दिया गया है इसके ऊपर, जिसकी वजह से कनेक्टिविटी बढ़िया हो जाती है आपको, और वाईफाई जो है डुअल बैंड वाला दिया गया 5 GHz एज वेल एज 2.4 GHz के ऊपर। नोटिफिकेशंस वगैरह के लिए इसमें एलईडी इंडिकेटर दिया गया है, जो 3 कलर्स में चलेगा आरजीबी, तो उसके हिसाब से 3 कलर्स के आरजीबी सेंसर्स दिए गए, उसको कन्वर्ट किया जा सकता है बहुत सारे कलर्स में, कंपनी जैसे अपडेट देगी। इसमें एनएफसी वगैरह दिया गया है, ब्लूटूथ बहुत ही बढ़िया 5.0, जो कि लो एनर्जी के ऊपर, एलई एलई का मतलब समझ में आ गया, लो एनर्जी, लो एनर्जी यानी कम पावर वाला, और सेंसर्स की भरमार है, ऐसे फिंगरप्रिंट्स है जो कि स्पेस बार पे दिया गया, एक्सेलेरोमीटर, मैग्नेटो, गायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी, एम्बिएंट लाइट सेंसर और हॉल इफेक्ट दिया गया है। तो लो एनर्जी अब मेरे को समझ में आ गया एलई, जैसे मैं स्टार्टिंग में कहा था कि एलई का मतलब मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन आप समझ में आ चुका है, तो एलई यानी कि लो एनर्जी, ब्लैकबेरी की2 लो एनर्जी वाला फोन बनाया गया है। आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा, भेजी टेक्निकल देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।